नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे पारिजात के फूल के बारे में। ईश्वर की आराधना में फूलों का विशेष महत्व होता है। फूल पवित्र और शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए देवताओं को ये खूब भाते भी हैं। इस खूबसूरत सी दुनिया में रंग बिरंगे अनेक प्रकार के फूल मौजूद हैं, जिनमें से एक पारिजात का फूल भी है। पारिजात का फूल देखने में अलौकिक प्रतीत होता है, लेकिन इससे जुड़ी कहानी इससे भी कहीं ज़्यादा अद्भुत है। माना जाता है कि ये फूल दानवों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था और इस वृक्ष को देवता इंद्र अपने साथ स्वर्ग ले गए थे। पारिजात के वृक्ष की खासियत यह है कि इसे जो भी एक बार छू लेता है उसकी सारी थकान मिनटों में गायब हो जाती है और उसका शरीर फिर से स्फूर्ति प्राप्त कर लेता है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि स्वर्ग के अप्सरा उर्वशी पारिजात के वृक्ष को छूकर ही अपनी थकान मिटाती थी। पारिजात का फूल एक पवित्र फूल माना जाता है और ये फूल देवताओं को खूब पसंद भी आता है। तो आइए आपको बताते हैं पारिजात के फूल के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। पारिजात वृक्ष पूरे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि किंटूर में स्थित पारिजात वृक्ष अपने आप में कई मामलों में अनोखा है तथा ये अपनी तरह का पूरे भारत में इकलौता पारिजात का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला मुख्यालय से थोड़ी दूर किंटूर गांव है और इस स्थान का नाम पांडवों के माता कुंती के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर पांडवों ने माता कुंती के साथ अपना अज्ञातवास जीवन बिताया था। इसी किंटूर गांव में भारत का एकमात्र पारिजात का पेड़ पाया जाता है, जिसके बारे में कहते हैं कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से सारी थकान मिट जाती है। पारिजात के वृक्ष को देवताओं का वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष पर हर साल में बस एक ही महीने में फूल खिलता है। हम आपको बता दें कि गंगा दशहरा के आसपास इस पेड़ पर फूल खिलता है और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब पेड़ में फूल झड़ते हैं तो वे पेड़ के करीब नहीं बल्कि बहुत दूर जाकर गिरते हैं। पारिजात के फूल का अतीत भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी का भी माना जाता है और सत्यभामा की जलन को लेकर जुड़ा हुआ है। एक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि इंद्रलोक से इस वृक्ष के कुछ फूल लेकर कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने ये फूल उनसे लेकर अपने पास बैठी पत्नी रुक्मिणी को दे दिए। इसके बाद नारद मुनि कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा के पास गए और उनसे कहा कि पारिजात के बेहद खूबसूरत फूल कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिए हैं और उनके लिए एक भी फूल नहीं रखा गया। जब श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को पता चला कि स्वर्ग से आए पारिजात के सारे फूल श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिए हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने श्री कृष्ण को पारिजात का वृक्ष लाकर अपने बगीचे में लगाने के लिए कहने लगी। तब श्री कृष्ण के समझाने पर भी सत्यभामा नहीं मानी। सत्यभामा के जिद के कारण ही श्री कृष्ण ने अपने दूत को स्वर्ग में पारिजात वृक्ष लाने के लिए भेजा, पर इंद्र ने पारिजात वृक्ष देने से मना कर दिया। दूत ने जब यह बात आकर श्री कृष्ण को बताई तो उन्होंने स्वयं ही इंद्र पर हमला कर दिया और इंद्र को हरा करके पारिजात के वृक्ष को जीत लिया। इससे नाराज होकर इंद्र ने पारिजात वृक्ष के फल ना लगने व श्राप दिया। तभी से पारिजात के वृक्ष में फल नहीं लगता। कृष्ण के पारिजात वृक्ष को लाकर सत्यभामा की वाटिका में लगा दिया और सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा किया। जब पारिजात वृक्ष पर फूल आते हैं, लेकिन जब फूल गिरते हैं तो वो रुक्मिणी की वाटिका में ही जाते हैं। यही कारण है कि पारिजात के फूल वृक्ष के नीचे ना गिरकर वृक्ष से दूर गिरते हैं। तो इसी से पारिजात के फूल को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया। हम आपको बता दें कि जब पांडवों ने किंटूर में अज्ञातवास किया तो उन्होंने वहाँ माता कुंती के लिए भगवान शिव के एक मंदिर की स्थापना की, जो कि आज कुंतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। माता कुंती पारिजात के फूलों से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती थी, इसीलिए पांडवों के सत्यभामा की वाटिका में पारिजात वृक्ष को लाकर यहां स्थापित कर दिया और तभी से पारिजात वृक्ष यहां पर स्थित है। पारिजात के पेड़ की एक और मान्यता है, जो कि पारिजात नाम की राजकुमारी से जुड़ा हुआ है, जो सूर्यदेव से बहुत प्रेम करती थी। बहुत कोशिश और तप के बावजूद जब सूर्यदेव ने पारिजात से प्रेम करना स्वीकार नहीं किया तब क्रोध में आकर पारिजात ने आत्महत्या कर ली। जिस जगह पर पारिजात की समाधि बनाई गई उस जगह वे वृक्ष उगाया और तब से इस वृक्ष का नाम पारिजात पड़ गया। शायद वही वजह रहा होगा कि रात के समय इस वृक्ष को देखने से लगता है जैसे ये रो रहा है
और सूरज की रोशनी से ये पेड़ खिलखिलाकर उठता है। बाराबांकी में स्थित पारिजात का पेड़ अपने आप में ही बहुत ही अनोखा है। इस वृक्ष की अधिकांश शाखाएं मुड़कर धरती को छूती हैं। ये पेड़ साल में बस जून के महीने में फूल देता है। अगर इस पारिजात के पेड़ की उम्र की बात की जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये पेड़ 1000 से 5000 साल तक जिंदा रह सकता है। और इस तरह के पेड़ की प्रजातियाँ दुनिया भर में 5 तरह की हैं और इस तरह के पेड़ को एडोसोनिया वर्ग में रखा जाता है। पारिजात का पेड़ भी इन्हीं 5 प्रजातियों में से डिजाहट प्रजाति का है। तो आइए आपको बताते हैं इस पेड़ के बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है। पारिजात वृक्ष के ऐतिहासिक महत्व तथा उसकी लुप्त होती प्रजाति को देखते हुए सरकार ने इसे संरक्षित घोषित कर दिया। यहाँ तक कि भारत सरकार ने इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। पारिजात को आयुर्वेद में हर श्रृंगार भी कहा जाता है और इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग दवा बनाने के रूप में किया जाता है। इसके पत्तों का सबसे अच्छा उपयोग साटिका रोग को दूर करने के लिए किया जाता है, जिसके फूल दिल की बीमारी के लिए और उत्तम माना जाता है। साल में 1 महीने में पारिजात पर फूल आने पर यदि इन फूलों का या फूलों के रस का उपयोग किया जाए तो दिल की बीमारी से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, पारिजात की पत्तियों को पीसकर शहद में मिलाकर सेवन करने से सूखी खांसी भी ठीक हो जाती है। इसी तरह पारिजात की पत्तियों को पीसकर त्वचा पर लगाने से त्वचा की बीमारी ठीक हो जाती है। पारिजात की पत्ती से बने हर्बल तेल का भी त्वचा रोगों के लिए भरपूर उपयोग किया जाता है। पारिजात की कली को यदि 5 काली मिर्च के साथ महिलाएं सेवन करें तो महिलाओं को स्त्री रोग से लाभ मिलता है। वहीं पारिजात के बीज जहां वालों के लिए सिरप का काम करती है तो इसकी पत्तियों का जूस बुखार को ठीक कर देता है। पारिजात में औषधि गुणों का भंडार होता है और पारिजात बवासीर रोग के निदान के लिए रामबाण दवा के रूप में काम करता है। हम आपको बता दें कि इसके एक बीज का उपयोग प्रतिदिन किया जाए तो बवासीर रोग ठीक हो जाता है। पारिजात का फूल हल्का, रूखा और रोग मुक्त होता है। साटिका रोग को दूर करने का भी इसमें विशेष गुण पाया जाता है। इसके फूलों में सुगंधित तेल होता है। ये पेड़ मानव जीवन के अनेक बीमारियों को ठीक करने के लिए काम आता है और इसके उपयोग से आप पुराने से पुराना रोग को ठीक कर सकते हैं। पारिजात के पेड़ को लेकर अध्ययन करने वाले एक प्रोफेसर के अनुसार पारिजात वृक्ष की प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती, लेकिन भारत में एकमात्र पारिजात वृक्ष आज भी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। पारिजात देवलोक का पेड़ और समुद्र मंथन के समय विभिन्न रत्नों के साथ साथ यह भी प्रकट होने की वजह से चमत्कारी है, जिसकी छाया से आराम करने वालों को बुद्धि बढ़ता है और ये पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को भी हटाता है। इसके फूल बहुत ही सुगंधित होते हैं जो दिमाग को शीतलता व शक्ति प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में किंतूर नाम के गांव में भारत का एकमात्र पारिजात का ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसको छूने मात्र से आपकी सारी थकान मिट जाती है। और ये पेड़ महाभारत काल से ही यहाँ पर मौजूद है। पारिजात के सफ़ेद फूलों से माता कुंती भगवान शिव की पूजा किया करती थीं। ये पेड़ अपने आप में अनोखा होने के साथ ही साथ बहुत ही विशाल भी है। इस पारिजात के पेड़ की उम्र वैज्ञानिकों के द्वारा 1000 से लेकर 5000 साल के बीच बताई जाती है, जबकि यहाँ के स्थानीय लोग इस पेड़ को महाभारत काल के समय का बताते हैं। इस पेड़ के बारे में हरिवंश पुराण में भी लिखा गया है और पारिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और पारिजात वृक्ष को इंद्र ने स्वर्ग लोक में ले जाकर स्थापित कर दिया था, जिसे छूने मात्र से ही देवताओं की अप्सरा उर्वशी की थकान मिट जाती थी। तो देखा आपने कि इस पारिजात के पेड़ का इतिहास कितना पुराना है और इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। तो हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।